हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं नैन्सी मोजिद्रा। दोस्तों, आज हम बताएंगे आँखों में दर्द, जलन होने के कारण और उसको दूर करने के घरेलू उपाय। आँखों का दर्द एक सामान्य लक्षण है। आँखों के दर्द विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जलन होना, चुभन होना, आँखों में कुछ पड़ जाने की जैसी अनुभूति दर्द, या फिर अचानक उठ जाने वाला दर्द। आँखों के दर्द के लक्षण सिर दर्द और साइनस के दर्द से मिलते जुलते हैं। इसके लिए आपके इसके बीच का अंतर करना कठिन भी हो सकता है। इसके कुछ संभावित कारण हो सकते हैं, जिसमें आंखों पर अत्यधिक तनाव, एलर्जी या फिर कुछ रोग प्रमुख जो आंखों को प्रभावित करते हैं। इस दौरान आपको प्रकाश के प्रति आंख में संवेदनशीलता हो सकती है, आंखों में लालिमा हो सकती है, आंखों में से पानी बहना, सिर दर्द जैसी अनेक समस्या का आपको सामना करना पड़ता है। इन सभी हानिकारक लक्षणों से आपको अपनी आंखों को सुरक्षित करने के लिए आप हमारे द्वारा बताए गए इस घरेलू नुस्खों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे पहले आप हमारी चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल के नीचे जो लाल सब्सक्राइब का बटन है इसे प्लीज दबा दीजिएगा। पर्यावरण प्रदूषण वातावरण के कारण बहुत अत्यधिक स्क्रीन के सामने बिताने से नींद न आना, चिड़चिड़ापन, शरीर में पानी की कमी, अधिक दवाएं लेना या फिर घंटों तक मोबाइल को देखने के लिए आंखों में जलन, थकान और संक्रमण की शिकायत हो सकती है। इसे न केवल हमारी आंखों को नुकसान पहुंचता है, साथ ही साथ हमारी खूबसूरती पर ही भी बहुत ही असर होता है। तो आप अपनी आंखों को इन हानिकारक लक्षणों से बचाने के लिए आप इन घरेलू नुस्खों को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो हम बताते हैं कि कौन कौन से घरेलू नुस्खे हैं। इन घरेलू नुस्खों में आपका कोई खर्चा भी नहीं होगा और साथ ही साथ ये सारी जो रेमेडी है ये नेचुरल है, इससे आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल है खीरा। जो हम खाने और सलाद के लिए इस्तेमाल करते हैं वो खीरा, उस खीरे की हमें चौड़ी स्लाइड करके हमें फ्रिज में रख के हम हमारी आँखों पर रख सकते हैं। खीरा है वो शीतलता प्रदान करती है। वो जब हम फ्रिज में रखा हुआ ठंडा खीरा इस्तेमाल करते हैं तो हमारी आँखों में ठंडक पहुँचती है और हमारी आँखों का दर्द है वो दूर हो जाता है। उसके बाद दूसरा उपाय है ठंडा दूध। ठंडा दूध में भी ऐसे पोषक तत्व होते हैं। ठंडा दूध से आप चाहे तो घर में कॉटन को दूध में भिगोकर अपनी आँखों पे रख सकते हैं, इससे आपकी आँखों का दर्द दूर हो सकता है। तीसरा उपाय है पोटैटो चिप्स। अगर आपको वेल्डिंग का कहीं हो रही होती है और आपने देख लिया होता है गलती से, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उसमें भी अगर आप पोटैटो चिप्स की थोड़ी बड़ी बड़ी स्लाइड करके फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद अपनी आँखों में रख के आप लेट जाएंगे तो आपकी आँखों का दर्द है वो गायब हो जाएगा। आपकी आँखों का दर्द, जलन, उसमें आपको तुरंत राहत मिलेगी। उसके बाद चौथा उपाय है कि केस्टर ऑयल। अगर आपकी आँख में जलन और दर्द की आपको अनुभूति हो रही है तो अगर आप केस्टर ऑयल में कॉटन को भिगोकर अपनी आँखों पे आप लेट सकते हैं। आप चाहे तो अपने हाथों में केस्टर ऑयल को लगाकर अपनी आँखों से हल्के हाथों से मसाज भी कर सकते हैं, इससे भी आपकी आँखों में आपको राहत मिलेगी। उसके बाद खाने में मीठा शहद है ना, वो खाने में इस्तेमाल होता है, साथ ही साथ वो एक एंटी एजिंग तत्व है। इससे हमारी आँखों में जब हम एक एक ड्रॉप्स डालेंगे तो उससे थोड़ी देर के लिए हमारी आँखों में दर्द तो होगा, तो उसके बाद है हमारी आँखों में जो गंदगी है उसकी आँखों की सफाई भी अच्छी तरह से हो जाएगी और हमारी आँखों का दर्द भी गायब हो जाएगा। तो शहद भी हम हमारी आँखों में के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी ना फिर फ्रेश होने के लिए या फिर चाय बना पीने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, साथ ही साथ हमारी आँखों के लिए भी वो बहुत ही उपयोगी है। ग्रीन टी में ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिससे हमारी आँखों का दर्द में हमें राहत मिलती है। लेकिन ग्रीन टी का इस्तेमाल करने से पहले आपको इस टी बैग को फ्रिज में रख के अच्छी तरह से जमा लेनी है, उसके बाद ही आपको इसका इस्तेमाल करना है।
अगर आपकी आंखों में बहुत ही दर्द और थकान जैसी अनुभूति हो रही है तो आप आपकी आंखों को ठंडे पानी से अच्छी तरह से पानी को छिटक के अपनी आंखों का ठंडा भी रख सकते हैं। इससे आपकी आंखों का दर्द गायब तो नहीं हो सकता, लेकिन आंखों में थोड़ी सी राहत होगी। इसके अलावा ही गुलाब जल भी आप अपनी प्रभावित आंखों में एक एक ड्रॉप्स डाल सकते हो, या फिर कॉटन के पेड़ अपने गुलाब जल में भिगोकर अपनी आंखों पे रख के थोड़ी देर लेट जाए तो इससे आपकी आंखों का दर्द है, जो जलन है, उससे आपको राहत मिलेगी। गुलाब जल भी हमारी आंखों में ठंडक प्रदान करती है। इसके अलावा आपको कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए। अगर आप कोई उपयोगी उपकरणों के संक्रमण में हो तो आपको सुरक्षा चश्मा जरूर पहनना चाहिए। आंखों में होने वाले नुकसान को बचाने के लिए ये बहुत ही बेहतर उपाय है। अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस पहनते हो तो सुनिश्चित है कि आप इसे अच्छी तरह से साफ करके ही पहने। आप अपने आँखों को अच्छी तरह से बार बार पानी से अच्छी तरह से धो के अपने लेंस को अच्छी तरह से साफ रखें। अपने हाथों को बार बार आँखों में ना रगड़िए और अच्छी और पूरी गहरी नींद लें। तो आज मैंने जो उपाय बताए हैं उसका आप इस्तेमाल करके आप अपनी आँखों का दर्द में आप तुरंत राहत पा सकते हैं। और साथ ही साथ जो मैंने सावधानी बताई है तो वो सावधानी भी आप बरतेंगे तो आपकी आँखों में दर्द और जलन का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं इसी तरह अच्छे अच्छे और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।